सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब निर्माता कंपनी पेरनोड रिकॉर्ड के रीजनल मैनेजर बेनॉय बाबू को शुक्रवार को जमानत दे दी। बेनॉय बाबू को जमानत देते हुए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आप ट्रायल से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते, ये ठीक नहीं है। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर भी इस मामले में शामिल होने का आरोप है, लेकिन दोनों को अभी तक किसी अदालत से राहत नहीं मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्ट की बेंच ने माना कि इस मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और आरोप तय नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखते हुए उन्हें जमानत दे दी कि वो 13 महीनों से सलाखों के पीछे हैं। अदालत ने ये भी कहा है कि ईडी इतने लंबे समय तक मुकदमे से पहले आरोपियों को हिरासत में नहीं रख सकता। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम अब भी नहीं जानते कि ये कैसे होगा। CBI जो आरोप लगा रही है और जो ईडी आरोप लगा रही है, उनके बीच विरोधाभास प्रतीत होता है। आपको बता दें कि शराब नीति घोटाला मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुद्दे को लेकर BJP और आम आदमी पार्टी के बीच काफी खींचतान भी चल रही है। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया फरवरी से और संजय सिंह अक्टूबर से जेल में है, लेकिन दोनों को अभी तक किसी भी अदालत से राहत नहीं मिली है। इससे पहले आप सांसद संजय सिंह ने बुधवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध किया था। उन्होंने दावा किया कि उनके देश छोड़कर भागने की कोई आशंका नहीं है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है और उन पर गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप भी नहीं है। इस मामले में अब 9 दिसंबर को सुनवाई होनी है। वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM ने पुनर्विचार याचिका दायर किया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अपनी रिहाई के लिए शीर्ष अदालत से गुहार लगाई है। 11 दिसंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ये तय करने वाला है कि याचिका को सुना जाए या नहीं।